हेलो बच्चों, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री हार्ट पर। तो यहाँ पर मैं जो है आपको जो मैंने वीडियो नंबर 5 बनाई थी और भेजी थी, मैंने उसमें क्वेश्चंस दिए थे। इसके अलावा वीडियो नंबर 4 में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे। तो आज इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे उन क्वेश्चन के आंसर्स की, ठीक है? आप लोग टैली कर लेना जितने लोगों ने कर लिया है, और मुझे रिस्पॉन्स बताइएगा कि आप लोगों के इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है? हिमांशी, आप भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके इसमें से सही हुए, ठीक है? आपने बोला था बेटा, मैम आप बोला था आपने कि वीडियो जो है आप बना दीजिए, तो आप मुझे बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है? बाकी लोग भी मुझे अपडेट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है? चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं। पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा हमारा, कोई दूसरा मार्कर ले ले। पहला जो बनेगा वो बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl। इसके साथ ही साथ बनेगा हमारा H2SO4। सबका यही बन रहा है, बताओ। अब ये पता ही कैसे टूटेगा, H+1 में Cl-1 में, Na+1 में SO4-2- में। तो यहाँ पे ऐसे ही प्रोडक्ट बनेगा, सभी को पता है दो उधर लगेंगे। इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है? दो सोडियम इधर है, इधर एक सोडियम, आगे क्या करेंगे? दो लगाएंगे। जैसे हमने दो सोडियम लगाया, अब हमारे क्लोरीन भी दो हो गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? दो। अब अगर देख रहे हो तो दो क्लोरीन हो गए, ओके। दो हाइड्रोजन है इधर, दो हाइड्रोजन इधर, भी पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है Ca2+ में कार्बोनेट, अभी क्या बनेगा? सीधे सीधे बता दे रहे हैं, यहाँ पे बनेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस यहाँ पे बनेगा एल्यूमिनियम का कार्बोनेट। क्या बनेगा? एल्यूमिनियम का कार्बोनेट, बिल्कुल यही बनेगा। अब बताओ कैसे बनेगा? एल्यूमिनियम पे होता है +3 का चार्ज, कार्बोनेट पे होता है 2- का चार्ज। तो अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, और यहाँ पे करेंगे 2 से। तो जिसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ लिखते, तो फॉर्मूला यही तो आएगा एल्यूमिनियम कार्बोनेट का। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं BA, तो ये बना देगा BA पे 2+ चार्ज होता है, तो BaSO4 डायरेक्ट बना देगा। इसके साथ ही साथ बनाएगा ये 2HCl। पूरी रिएक्शन अगर आप देख रहे हो बैलेंस है। अच्छा हाँ, ऊपर वाली रिएक्शन बैलेंस नहीं है। एल्यूमिनियम दो है इधर, एक है आगे, दो लगा दो। जैसे ही दो लगाया, हाइड्रोक्साइड आपके 3 × 6 यानी कि 3 × 2 = 6 हुए। यहाँ पे इसका मतलब है, यहाँ पे हम लगा देंगे 3 × 2 = 6। बात तो वही हो गई, लेकिन अब कैल्शियम 3 हो गए, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। आप देखो पूरी रिएक्शन बैलेंस, 3 कैल्शियम हो गए, 3 कार्बोनेट भी ऑलरेडी 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं, बताओ। तो यही मतलब है कि प्रोडक्ट में अगर आप एक एक करके लेते जाएंगे तो आपका अपने आप ही क्या है, ये क्या यार, वीडियो कैसे, एक मिनट, अब दोबारा रिकॉर्ड करने की हिम्मत तो नहीं है मेरी, अब इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अब इसमें बात करेंगे पोटेशियम की। तो क्या होता है? ये है के, याद रखना बेटा, ये बना देगा पोटेशियम का ऑक्साइड यानी कि K2O। K2O क्यों बनाएगा? क्योंकि एक पोटेशियम पे 1+ का चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे 2- का चार्ज होता है। किसका चार्ज होता है? या K2O भी नहीं बनाएगा, रुको लेट मी टेल यू। एक्चुअल में वाटर हमारा टूटता है H+ और OH- में, तो ये बना देगा KOH। KOH बनाएगा पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, और H+ टूटेगा H2 गैस में, ठीक है? हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होगी। अब जैसे ही रिलीज होगी, इसको हम बैलेंस करेंगे, 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो 3 है यहाँ पे, 3 बना देते, 3 × 2 = 6, और ये 1 है, ठीक है? अब इसमें देखो कितना करेंगे, तीन लगा दे रहे, क्या करना ना, इसको कैसे बैलेंस करेंगे? हाफ लगा दे क्या? चलो इसमें हाफ लगा दे ना, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, रुको लेट मी टेल यू। ये जानबूझ के दी थी, अब क्या करना है सुनना। यहाँ पे क्या है, अगर देख रहे हो तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देख रहे हो तो 3 है। अब 3 को अगर मैंने यहाँ आधा लगा दिया, तो बेटा याद रखना ये बन गया 1 और 1, 2 हो गए बैलेंस। अब कैसे करते सुनना, याद रखना, जब भी किसी के आगे 2 लगा दिया, भैया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये आधा लगाने का मतलब यहाँ पे एक ही बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब आधा लगा दिया तो हाइड्रोजन 2 H2 दिख रहा है,
लेकिन आधा लगाने का मतलब है कि एच एच दो दो कैंसिल होगा, ये सिर्फ डिनोट करेगा कि एक हाइड्रोजन एटम है। अब एक हाइड्रोजन एटम इधर है, एक इधर है, दो होगा, इधर भी दो है, पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, ऐसे भी कर सकते, ये रिएक्शन जानबूझ के दी थी कि आपको ये पता भी चल जाए हाफ थ्री बाई टू वन बाई टू फ्रैक्शन में कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब बात करते हैं K2CO3। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, KCl बनेगा, और यहाँ पे यही फंडा बताना था क्या होगा भाई, बताया था ना कार्बोनेट दो में टूटता है CO3 और H2O, तो यहाँ पे बन जाएगा CO2 और H2O, सॉरी ये भी यहाँ भी लिख दिया CO2 और H2O में। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, K2 है यहाँ पे, यहाँ पे दो लगाते हैं, जैसे ही दो लगाया क्लोरीन भी दो हो गए, तो यहाँ भी आ गए दो लगाते हैं। अब देखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दो इधर है दो उधर भी है, ऑक्सीजन तीन इधर है तीन इधर, पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। बताओ किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया, नोट कर ले सब लोग, ये हाफ वाला समझ में, हाफ लगाने का मतलब है H2 है। अब इसका मतलब हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल है, जैसे आधा किया इसका मतलब वो बताना चाहेगा कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, नोट हो गया। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे यहाँ पर उसकी क्या कहते हैं, जो वीडियो नंबर 4 या 3 में मैंने न्यूमेरिकल लिए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मैंने फोटो ली थी। ठीक है, पहला कैल्शियम नाइट्रेट, मुझे इसका फॉर्मूला बताना था ना, नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का आंसर होगा कैल्शियम नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस, यही होगा, बता रहे हैं सिर्फ आंसर बता रहे हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट आंसर होगा Al2SO4 का होल ट्राई, भाई बिल्कुल वैसे होगा, सल्फेट पे 2 माइनस होता है, इधर 3 होता है, तो इधर 2 मल्टीप्लाई होगा, उधर 3 होगा। ठीक है, अब कर लेना आप लोग, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट इसका आंसर क्या होगा, BaSO4। ठीक है, क्योंकि Ba पे 2+ का चार्ज होता है। चौथा लेड सेकेंड नाइट्रेट, इन्होंने लेड की स्टेट दे दी है सेकेंड, यानी कि इसका आंसर होगा, इसका आंसर मैं यहां लिख दूं, PbNO3 का होल ट्वाइस, बात समझे। उसके बाद स्टेनस फोर्थ क्लोराइड, यानी कि टिन क्लोराइड की बात कर रहा है ये, SnCl4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम का सल्फाइड, क्या बनाना है, सोडियम का सल्फाइड है, इट्स नॉट अ सल्फाइड, सल्फाइड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला Na2S, क्योंकि सल्फाइड पे 2 माइनस होता है, सोडियम में 1+ होता है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर पोटेशियम का ऑक्साइड बनाना है, क्या बनाना है, पोटेशियम का ऑक्साइड, फॉर्मूला बनेगा K2O, बताओ यही आया सबका, मुझे कमेंट बॉक्स पे आप लोग बताइएगा कि आंसर क्या आया है, और ये भी बताइएगा कितना सही आया। दूसरी चीज, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल उनके लिए जो हाई स्कूल में थे, ठीक है, रिजल्ट कैसा आया है, बहुत काफी बच्चों ने मुझे रिप्लाई करके बताया कि मैम रिजल्ट कैसा आया, कॉल भी किया बच्चों ने, तो अच्छा लगा, और बस ऐसे ही करते रहो आप लोग मेहनत, और डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है अगर नंबर कम हो रहे हैं या ज्यादा कम हो गया या कुछ भी है, आपको अपना बेस्ट देना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होता रहेगा। ठीक है, तो याद रखना इस चीज के बारे में। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया वीडियो, आप बता दीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलेंगे, और कल हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ लिया, रिएक्शन को बैलेंस करना पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ रिएक्शन, तब तक के लिए गुड नाइट।